आपके पास इलायची शरबत नहीं है तो आप इलायची इसी के अंदर इस टाइम ही ऐड कर लें, और ताकि वो अच्छी तरह उसके अंदर मिक्स हो जाए और उसकी खुशबू आए। अभी मैं इसे मज़ीद पकाऊंगी और इसमें वनीला एसेंस के कुछ ड्रॉप्स डालूंगी। मैंने 4 ड्रॉप सिर्फ डाले हैं, ज्यादा नहीं डाला। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊंगी। ये देखिए ये रेडी हो गया। अब मैं इसकी आग बंद कर दूंगी। ये देखिए इसने अपना कलर चेंज कर दिया मिल्क ने। बादाम का मिल्क ठंडा हो गया था और मैंने इसे स्ट्रेन नहीं किया, तो ये आप पर डिपेंड करता है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लें। अब मैं इसमें इलायची शरबत डालूंगी। मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करें। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून डाला है और इसमें भी। इसमें थोड़े बादाम मैंने क्रश किए थे, अब मैंने इसमें थोड़े बादाम क्रश किए थे वो मैंने ऐड करूँगी। गार्निश मैंने इस पर कर दी। इलायची पाउडर है। आलमंड मिल्क रेडी है। अगर आपको पसंद आई मेरी रेसिपी तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।